हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू माय चैनल ट्यूरोटेक। सो गाइस, इंडिया में आपको अभी तक 5G नेटवर्क देखने को नहीं मिलता है और यहां पर आपको कब तक देखने को मिलेगा ये भगवान को ही मालूम है। लेकिन यहां पर आपको सभी प्राइस सेगमेंट में 5G स्मार्टफोन देखने को मिल रहा है, लेकिन यहां पर आपको अभी तक अंडर 10,000 में एक भी 5G स्मार्टफोन देखने को नहीं मिला है। और यहां पर मोटोरोला अपने मोटो G50 5G को बहुत जल्द लॉन्च करने वाला है इंडिया में, और बताया जा रहा है कि ये अभी तक का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन होने वाला है जो कि आपको अंडर 10,000 में को मिल जाएगा। और लॉन्च होने से पहले इसी स्मार्टफोन के बारे में क्या है इसके डिस्प्ले में और क्या है इसके प्रोसेसर में, यहाँ पर सब कुछ लीक हो चुका है और आज मैं आपको बताऊंगा इसी स्मार्टफोन के बारे में। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सो गाइस, मोटो G50 बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन होने वाला है, क्योंकि ये पहला ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें आपको अंडर 10,000 में 5G कनेक्टिविटी देखने को मिलने वाला है। और अगर मैं इसी स्मार्टफोन के फिजिकल ओवरव्यू की बात करूं तो यहां पर आपको बैक साइड में एक फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, और उसी के साथ आपको राइट साइड में वॉल्यूम अप एंड डाउन की, पावर ऑन ऑफ बटन और एक डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंट बटन भी दिया जाएगा। और वहीं पर अगर मैं इसी स्मार्टफोन के डिजाइन की बात करूं तो ये जो पूरा स्मार्टफोन है ये आपको प्लास्टिक फ्रेम में देखने को मिलेगा, और बैक साइड में आपको कोई भी ग्लास बैक देखने को नहीं मिलेगा, बैक साइड में आपको पॉलीकार्बोनेट बैक दिया जाएगा। और अगर वहीं पर अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो यहां पर आपको एक 6.5 इंच HD+ 90Hz वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, और इसी डिस्प्ले में आपको ड्रैगन ट्रेल का प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा। तो प्राइस के हिसाब से देखें तो इसी स्मार्टफोन में आपको FHD+ डिस्प्ले देना चाहिए था मोटो को, लेकिन यहाँ पर 90Hz HD+ डिस्प्ले के साथ भी यहाँ पर काम चल जाएगा। और परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर इसी स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का बजट 5G प्रोसेसर मिलेगा, जो कि है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 480, और ये एक 8 नैनोमीटर प्रोसेसर है जिसमें आपको एड्रिनो 619 का GPU मिलता है। इसका मतलब ये है कि ये अंडर 10,000 का पहला ऐसा स्मार्टफोन होने वाला है जिसमें आपको PUBG और फ्री फायर खेलते वक्त कोई भी फ्रेम ड्रॉप और लेग शटर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर हम गेमिंग के लिहाज से देखें तो एड्रिनो 619 एक बहुत ही पावरफुल GPU है। और अगर हम यहाँ पर इसी स्मार्टफोन के एंड्रॉइड की बात करें तो यहाँ पर ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 के साथ आएगा, और UI की बात करें तो यहाँ पर आपको प्योर स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस दिया जाएगा, जिसका मतलब ये है कि आपको इसी स्मार्टफोन में कोई भी प्री इंस्टॉल ऐप और ब्लॉटवेयर देखने को नहीं मिलेगा। सो प्राइस के हिसाब से देखें तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। और वहीं पर अगर हम इसी नए मोटो G50 5G स्मार्टफोन के कैमरा के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको एक ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जहां पर आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा भी दिया जाएगा। और अगर हम फ्रंट कैमरा की बात करें तो इसी नए मोटो G50 5G में आपको एक 13 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर दिया जाएगा। और अगर सेंसर की बात करें तो इस प्राइस सेगमेंट में ऑब्वियसली आपको सोनी या फिर सैमसंग का सेंसर देखने को नहीं मिलेगा, शायद आपको यहाँ पर ओमनीविजन का सेंसर दिया जाएगा मोटोरोला की तरफ से। सो गाइस, प्राइस के हिसाब से देखें तो यहाँ पर आपको कैमरा ठीक ठाक मिलने वाला है, और ये मोटोरोला का स्मार्टफोन है तो आपको यहाँ पर कैमरा क्वालिटी में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगा। और अगर हम इसी नए मोटो G50 5G स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी और सेंसर की बात करें तो यहाँ पर इसी स्मार्टफोन में आपको 12 5G बैंड देखने को मिलने वाला है, और यहाँ पर आपको ब्लूटूथ वर्जन 5, GPS, NFC और सेंसर की बात करें तो लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सीलरोमीटर, कंपास, जायरोस्कोप, बैरोमीटर, सभी इंपोर्टेंट सेंसर देखने को मिल जाता है। और अगर बैटरी एंड चार्जिंग की बात करें तो यहाँ पर इसी ने मोटो G50 5G में आपको एक 5000mAh का बड़ा बैटरी दिया जाएगा, और उसी बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको यहाँ पर एक 15W का फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाएगा। So guys, प्राइसिंग की बात करें तो स्पेसिफिकेशन को देखते हुए मुझे ये लगता है कि ये स्मार्टफोन आपको अंडर 10,000 में देखने को मिलेगा, और अगर ये सचमुच में अंडर 10,000 में लॉन्च हो गया तो ये अंडर 10,000 का सबसे बेस्ट स्मार्टफोन बन जाएगा, क्योंकि अगर हम 5G के हिसाब से देखें तो यहाँ पर आपको बढ़िया 90Hz का डिस्प्ले मिलेगा,
और अच्छा खासा कैमरा भी मिल जाएगा और 10,000 के हिसाब से यहाँ पर आपको एक 5,000 एमएच का बैटरी भी दिया जाएगा। सो आपको क्या लगता है इस स्मार्टफोन के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और आपको कैसा लगा मेरा वीडियो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर भी कर दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।